वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज मैं किसका रिव्यू करने जा रही हूँ। तो आज मैं लैक्टोकैलामाइन फेस सीरम 2% सैलिसिलिक एसिड का जो है रिव्यू करने जा रही हूँ। और ये रिव्यू जो है मैं आफ्टर वन मंथ यूज़ के बाद कर रही हूँ। और अब मैं सबसे पहले तो मैं आपको इसकी पैकेजिंग के बारे में बताती हूँ। ये इस तरीके के बॉटल में आया है एंड ड्रॉपर है इसके साथ। एंड ये जो है ये देखिए, इसमें जो है ये ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ रनी कंसिस्टेंसी है। एंड ये बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्ट है, ज़्यादा ऑयली नहीं है। एंड अगर एक मिनट आप रब करोगे इसको, अच्छे से मसाज करोगे, तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये जो है ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा शाइन तो ऐसे भी देता है, बट ये जो है स्पेसिफिकली जिस जो ये क्लेम करता है वो ये है कि ये एक्ने केयर सीरम है। एंड ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, पैराबिन फ्री है और ये सारी स्किन टाइप्स के लिए है। ओके, जैसे अभी इसमें ये जो है ये क्लेम ये करता है कि ये फाइट करता है एक्ने, और उसके बाद एक्ने मार्क्स करता है, और ये क्या करता है, एक्सेस ऑयल को क्लींस करता है, और जो आपके पोर्स होते हैं, जो भी आपके ओपन पोर्स हैं उनको मिनिमाइज करता है, और ये ऑयल को बैलेंस करता है, और आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को जो है क्या करता है कि रिड्यूस करता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि एक्चुअल में ये जो ये क्लेम करता है ये वर्थ इट है भी है कि नहीं है। तो एक मंथ के यूज़ के बाद मैं आपको बताऊं कि विद टाइम जो है, विद पैसेज ऑफ टाइम, इसने मेरे फेस पर बहुत अच्छी ग्लो दी है। मेरे जो डार्क स्पॉट्स थे, जो एक्ने मार्क्स थे, वो बहुत हद तक जो है रिड्यूस हो गए हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि एकदम से इसने मेरे जो पोर्स है उनको मिनिमाइज़ किया है, वो उसका कुछ अच्छा ऐसा रिज़ल्ट मुझे दिखा नहीं। बट उसके बिना जो जितने भी जो मेरे मार्क्स थे या जो भी अगर मेरे को एक्ने निकल रहा था, तो अगर आप इसको लगाते हो तो बहुत हद तक जो है आपका जो है एक दिन या दो दिन लगने के बाद आपका एक्ने ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल कोई पिंपल नहीं होगा, और आपकी फेस जो है दिन ब दिन जो है ग्लोई होता जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि इसको यूज़ करना कैसे है। वैसे तो आपकी अगर सेंसिटिव स्किन है तो आप इसको जो है हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार ही लगाएं, और उसके साथ आप क्या करें कि एक अच्छा सनस्क्रीन, अगर आप इसको मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग में जब भी यूज़ करोगे तो उसके बाद सनस्क्रीन जो है मस्ट है, वो आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते हो। और जो सनस्क्रीन है वो SPF 50 हो और वैसा ही यूज़ करना है। और रात को जो है, रात को जब भी लगाएं तो उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है, क्योंकि वरना ये स्किन को है जो ड्राई कर सकता है, इचिनेस हो सकती है, इरिटेट कर सकता है। और अगर आपकी स्किन में कोई भी वूंड्स, कोई भी जो है स्किन आपकी इन्फ्लेम्ड है, कुछ भी है, तो आप उस वक्त इसको यूज़ ना करें, वरना आपकी स्किन जो है अच्छे होने की बजाय गलत हो सकती है, ख़राब हो सकती है। सो ऑल इन ऑल मुझे ये लगता है कि सैलिसिलिक एसिड तो मुझे लगता है सारे ही अच्छे होते हैं, बट मैंने जो यूज़ किया है वो लैक्टोकैलामाइन का है, और मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आई होप कि आपको भी ये पसंद आएगा। आप और साथ में एक और बात बतानी थी आपको कि ये जो है सबसे, मैंने इसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये बाकी प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में जो है ये काफ़ी अफोर्डेबल मुझे मिल गया है। और आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, मैंने ये जो है फ्लिपकार्ट से मंगाया है, और इसका लिंक जो है, प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। प्लीज़ क्या करें कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।